जय श्री कृष्णा दोस्तों। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे कि भगवान हमें दुख क्यों देते हैं, क्योंकि यह प्रश्न हम सभी के मन में एक ना एक बार जरूर आता है कि आखिर भगवान हमें दुख देते क्यों हैं। दोस्तों, इस वीडियो में बताई गई बातें आपके जीवन में बहुत काम आने वाली हैं, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान किसी काम का नहीं होता। तो आइए दोस्तों, एक कहानी एवं भगवद गीता के एक श्लोक की मदद से इस बात को जानने का प्रयास करते हैं। दोस्तों, एक बार एक लड़के का जन्म बहुत ही अमीर घराने में हुआ, जहां ऐसो आराम की सभी सुविधाएं उपलब्ध थी। इसी वजह से उसे कुछ काम करने की आवश्यकता ही नहीं थी, और काम न करने के कारण वह धीरे धीरे आलसी हो गया। उसके पिता ने उसे बहुत समझाने का प्रयास किया, परंतु उसका मन केवल खाने और सोने में ही लगता था। एक दिन उसके पिता की मृत्यु हो गई, और माँ की मृत्यु भी पहले से ही हो चुकी थी, परंतु अब भी वह कोई काम नहीं करता, जिस कारण से उसके भाइयों ने उसे यह कहकर घर से निकाल दिया कि वह कुछ काम नहीं करता और सारी उम्र बैठे बैठे हम खिला पिला नहीं सकते। भाइयों का ऐसा व्यवहार देखकर वह पूरी तरह से उदास हो गया एवं मन से टूट चुका था। पिता की मृत्यु का दुख अभी समाप्त भी नहीं हुआ था कि उसके भाइयों के द्वारा उसे घर से बाहर कर दिया गया। अब वह घर से बिना लक्ष्य निर्धारित किए हुए ही निकल पड़ा। रास्ते में चलते चलते उसे भूख सताने लगी। वह एक आम के बगीचे में पहुंचा, जिस बगीचे के आसपास कोई भी व्यक्ति दिखाई नहीं दे रहा था। बगीचे की देखभाल करने वाला माली एक पेड़ के नीचे गहरी निद्रा में सो रहा था, तो वह आलसी व्यक्ति उस बगीचे के आम तोड़कर खाने लगा। वह आलसी व्यक्ति कर तो चोरी ही रहा था, परंतु उसे कुछ गलत नहीं लग रहा था। वह दो आम खाया ही होगा, तभी उस बगीचे के माली ने देख लिया। माली उसके पीछे डंडा लेकर दौड़ा। तब वह आलसी व्यक्ति माली के हाथ में डंडा देखकर जंगल की ओर भाग गया। जंगल बहुत ही घना था, जिसमें जंगली जानवर का होना भी स्वाभाविक है। वह आलसी व्यक्ति सुबह से केवल दो ही आम खाया हुआ था, जिस कारण वह भूख से तड़प रहा था। उसने देखा कि जंगल में एक ऐसा कुत्ता है जिसकी केवल दो ही टांगें थी। वह कुत्ता दो टांगों पर धीरे धीरे चल रहा था। वह आलसी व्यक्ति समझ ही नहीं पा रहा था कि आखिर यह कुत्ता जंगली जानवरों के बीच जीवित कैसे रह गया, क्योंकि वह कुत्ता तो चल ही नहीं पाता था। इस परिस्थिति में कुत्ते का जीवित रहना एक अजूबे से कम नहीं लग रहा था। आलसी व्यक्ति यह सोच ही रहा था, तभी उसे एक शेर के दहाड़ने की आवाज़ सुनाई दी। वह आलसी व्यक्ति शेर की दहाड़ को सुनकर घबरा गया। आलसी व्यक्ति ने आगे की ओर देखा, तो पता चला एक शेर उसी की ओर बढ़ रहा है। तो वह घबरा कर एक वृक्ष में चढ़ गया। वृक्ष में बैठे बैठे ही आलसी व्यक्ति ने देखा कि वह शेर तो कुत्ते की ओर बढ़ रहा है। शेर के मुँह में एक मांस का टुकड़ा भी था। शेर की डर से अन्य जानवर झाड़ियों में छुप गए, परंतु वह दो टांग वाला कुत्ता भागने में सक्षम नहीं था, क्योंकि वह कुत्ता तो ठीक से चल भी नहीं पा रहा था। आलसी व्यक्ति यह देखकर भगवान से प्रार्थना करने लगा कि हे भगवान, इस मासूम जानवर को बचा लेना, इसे शेर खा ना जाए। लेकिन जो कुछ देर बाद हुआ वह आश्चर्यजनक था। शेर के मुँह में जो मांस का टुकड़ा था वह कुत्ते के पास छोड़कर आगे चला गया, और आलसी व्यक्ति इसे भगवान का चमत्कार समझकर बहुत खुश हुआ। आलसी व्यक्ति ने मन ही मन सोचा, भगवान तो सब कुछ करते हैं, इसीलिए मुझे भी कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। भगवान ने यदि मुझे जन्म दिया है तो हमारे बारे में कुछ सोचा ही होगा। आलसी व्यक्ति को लगा उसे बहुत बड़ा ज्ञान प्राप्त हो गया है, और वह एक पेड़ के नीचे बैठ कर प्रतीक्षा करने लगा कि भगवान उसके भोजन की व्यवस्था करेंगे। काफ़ी समय बीत गया, पर भगवान ने भोजन नहीं भेजा। आलसी व्यक्ति की नज़र बार बार उस इंसान को ढूंढ रही थी कि कौन उसके लिए भोजन लेकर आएगा, लेकिन कोई नहीं आया। भगवान ने किसी को भेजा ही नहीं। पूरी रात बीत गई, परंतु कोई नहीं आया। अब वह कब तक इंतजार करता? उसके सब्र का बांध टूटने लगा। अब वह सोचने लगा कि आखिर भगवान हमें दुख क्यों देता है, और वह जोर जोर से चिल्लाने लगा, हे भगवान, हमारी किस्मत में इतना दुख क्यों है, इतनी तकलीफ क्यों है, आखिर हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, किस बात का बदला ले रहे हो मुझसे।
तभी जंगल में तपस्या कर रहे एक साधु ने उस आलसी व्यक्ति की आवाज़ सुन ली। वह साधु आलसी व्यक्ति के पास पहुँचे तो आलसी व्यक्ति ने सारी बात साधु जी को बताई। सबसे पहले साधु जी ने उस आलसी व्यक्ति को भोजन कराया। भोजन के उपरांत आलसी व्यक्ति ने करुण स्वर में साधु जी से कहा, भगवान ने उस लगड़े कुत्ते पर भी दया दिखाई, परंतु मुझ पर थोड़ा सा भी दया नहीं किए। आखिर क्या वजह है, भगवान ने ऐसा क्यों किया? साधु ने कहा, भगवान ने हम सभी के लिए एक योजना बना रखा है और तुम भी उस योजना का हिस्सा हो, परंतु तुम भगवान के इस इशारे को नहीं समझ पाए। भगवान तुम्हें उस कुत्ते की तरह नहीं बनाना चाहते, बल्कि भगवान तुम्हें उस शेर की तरह बनाना चाहते हैं जिसने उस लगड़े कुत्ते की मदद की। और सत्य तो यह है कि भगवान उसी की मदद करते हैं जो स्वयं के लिए काम करता है। भगवान श्री कृष्ण ने भी भागवत गीता में 3rd अध्याय के 8th श्लोक में कहा है कि कर्म न करने से कर्म करना श्रेष्ठ है। यदि कर्म नहीं करोगे तो शरीर का निर्वाह भी नहीं होगा। दोस्तों, सत्य तो यही है कि भगवान श्री कृष्ण युद्ध के समय पांडवों के साथ थे, फिर भी पांडवों को युद्ध करना पड़ा। भगवान हमारी मदद जरूर करते हैं, परंतु कर्म तो भक्त रूपी इंसान को ही करना पड़ता है। दोस्तों, कर्म के बिना कुछ भी संभव नहीं है। भाग्य भी उसी का साथ देता है जो कर्म करते हैं। तो दोस्तों, अगर यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एवं वीडियो में एक लाइक करके कमेंट में लिख दीजिए, जय श्री कृष्णा, राधे राधे।